वर्ल्ड कप 2019 अब अपने आखिरी दौर में है। अब सिर्फ तीन ही मुकाबले रह गए हैं, दो सेमीफाइनल और एक फाइनल का। शनिवार को श्रीलंका पर मिली जीत और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण अफ्रीका से शिकस्त खाने के बाद भारत अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया था। इस तरह भारत ने सेमीफाइनल में अपनी भिड़ंत चौथे नंबर पर रही न्यूजीलैंड से सुनिश्चित कर ली है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला खेलने के लिए भारतीय टीम मैनचेस्टर पहुंच गई है। अब भारत और न्यूजीलैंड के जीत के दावों को लेकर चर्चा और बहस का दौर जारी है। हालांकि ये सुनकर कुछ ताज्जुब जरूर होगा कि एक संभावना ऐसी भी है कि मंगलवार यानी 9 जुलाई को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर एक भी गेंद फेंके बिना भारत फाइनल में पहुंच सकता है और इसके लिए इंदर देवता को कोहली एंड कंपनी पर बड़ी मेहरबानी करनी होगी। ब्रितानी मौसम विभाग ने मंगलवार को मैनचेस्टर में आसमान में बादल छाए रहने और बारिश की संभावना जताई है। अब अगर बारिश अपना खेल दिखाती है तो उन हालात में खेल रद्द किया जा सकता है। आपके मन में कहीं 13 जून के भारत न्यूजीलैंड के उस मैच की यादें तो ताज़ा नहीं हो गई, जब एक भी गेंद फेंके बिना मैच समाप्त घोषित कर दिया गया था और दोनों टीमों के बीच एक एक अंक बांट दिया गया था। लेकिन ये कोई लीग राउंड मुकाबला नहीं है, जनाब वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है और इसके लिए रिजर्व डे यानी एक अतिरिक्त दिन रखा गया है कि किसी कारणवश अगर निर्धारित दिन यानी 9 जुलाई को मैच नहीं हो सका तो मैच अगले दिन यानी 10 जुलाई को खेला जाएगा। समस्या फिर मौसम को लेकर ही है। ब्रितानी मौसम विभाग की भविष्यवाणी पर यकीन किया जाए तो 10 जुलाई को मौसम पहले दिन यानी 9 जुलाई के मुकाबले और ख़राब है। मौसम विभाग के मुताबिक आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और दोपहर तक लंच टाइम हल्की बारिश भी हो सकती है। ऐसे में अगर 9 जुलाई और रिजर्व डे यानी 10 जुलाई को मैच नहीं हो पाया तो मुकाबले के लिए और दिन नहीं मिलेगा और क्योंकि भारतीय टीम ने लीग मुकाबलों में न्यूजीलैंड के 11 अंकों की तुलना में 15 अंक जुटाए हैं, इसलिए भारत ऑटोमेटिक तरीके से फाइनल में पहुंच जाएगा। यानी ऐसे हालात में विराट कोहली की टीम मैनचेस्टर में एक भी गेंद फेंके बिना क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स में होने वाले फाइनल में पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, आप क्या चाहते हैं, इंडिया और न्यूजीलैंड का मुकाबला हो या फिर टीम इंडिया पर इंदर देवता की मेहरबानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।